खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना के चलते देश में हुए लॉकडाउन से ठप हुए विदेशी बाजारों ने नोएडा की गारमेंट इंडस्ट्री को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है। पीक सीजन में लॉकडाउन होने से गारमेंट इंडस्ट्री का अभी तक 7,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन लगाया गया है, लेकिन नोएडा अपैरल एक्सपर्ट के प्रयास से 611 इकाइयों को शुरू किए जाने की अनुमति मिलने से अब इस कारोबार से जुड़ी इकाइयों का गणित सुधरने की उम्मीद है। इन इकाइयों में 1500 करोड़ रुपए का निर्यात किया जा सका है, जिससे इंडस्ट्री घाटे से उभर सकेगी। नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के चेयरमैन ललित ठुकराल ने इंडस्ट्रीज को दोबारा खुलने पर मुख्यमंत्री को आभार जताया है। तो लॉकडाउन से व्यापार को बड़ा नुकसान हुआ है, लगातार अर्थव्यवस्था में जो गिरावट है वो देखने को मिली है, और इसी को लेकर तमाम व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान थे। लेकिन कुछ ऐसे व्यापार हैं जिन्हें गारमेंट इंडस्ट्री को इससे बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं दोबारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोशिशें की जा रही है, कई रियायतें भी दी गई हैं, और इसी रियायत के तहत कुछ ऐसे गारमेंट्स कंपनियां जिन्हें दोबारा चलाया जा रहा है, तो 7,000 करोड़ रुपए के नुकसान झेल रहा है इस वक्त गारमेंट कंपनी। आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते लगातार जो अर्थव्यवस्था है वो निचले स्तर पर पहुंचती जा रही है। 17 मई तक अभी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, और इसे लेकर जो व्यापार वर्ग है वो काफी परेशान है। देश भर में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आर्थिक मंदी से लगातार जो इंडस्ट्रीज जूझ रही हैं, ऐसे में लॉकडाउन 3 में कुछ उनको छूट दी गई है। किस तरीके की छूट दी गई है उसको बात करने के लिए हमारे साथ ललित ठुकराल जी से बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं एक्सपोर्ट के गारमेंट्स हैं उसको लेकर तमाम छूटें दी गई हैं। ललित ठुकराल जी से जानते हैं, सर कितनी एक्सपोर्ट हाउस को परमिशन दी गई है, किस तरीके की परमिशन अब गवर्नमेंट की तरफ से मिली है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो नोएडा है वो सिटी ऑफ अपैरल है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3,000 के करीब जो है वो यूनिट्स हैं, और आप देखा जाए तो गारमेंट एक्सपोर्टर्स की गिनती करें तो लगभग 900 प्लस है, एंड सबके 2 यूनिट 3 यूनिट किसी के 4 यूनिट हैं, तो 3,000 से ऊपर यूनिट हैं हमारे सबके। तो अभी हमारे को 611 यूनिट की परमिशन जो हमने उनको लिस्ट भेजी थी वो उन्होंने ओके कर दी है। दूसरी लिस्ट कल जारी की है, वो भेजी है वहाँ पे, जिनके ऐसे ना सभी को लगता नहीं कि सभी खोलेंगे, जिनका अर्जेंट माल फंसा हुआ है, जिनका काम रुका हुआ है, कई लोगों के तो ऑर्डर्स ही ख़त्म हो गए, कैंसिल हो गए हैं, वो तो बेचारे खोलेंगे नहीं, उनकी तो पोजीशन बहुत टाइट हो गई है। और जो लोग खोलेंगे उन्होंने जिन्होंने अपनी रजामंदी दी तो उनकी मैंने सबकी लिस्ट भेजी है, कुछ की अब आई है, बाकी तो 250 लोगों की और भेज दी है। बात करते हैं क्योंकि लगातार जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, तो गवर्नमेंट्स जो है जो अन्य राज्य के मजदूर हैं उनको भेजने का काम करें, ऐसे में एक्सपोर्ट का अगर बात करें तो ये शुरुआत तो हो गई है लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या झेलने को मिल रही होंगी। देखिए, लेबर का जो एक बहुत बड़ी समस्या है, लेबर पहले भी काफ़ी जा चुकी है, और अभी जब ये लॉकडाउन खुलने का हुआ तो जब उनको मालूम पड़ा कि हमारी जो इंडस्ट्री नहीं खुल रही है तो बहुत एकदम बड़े उनका जो हिम्मत टूट गई, तो क्या करेंगे। तो पर उनसे जब 2 दिन के बाद जब ये उनको आई खुशखबरी कि हाँ हमारी यूनिट खुल रही है, हमने इसके बारे में पूरी प्रेजेंटेशन दी। इसमें क्या हुआ था कि
जो जियो था उसके अंदर ये था कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट SEZ वाले ही खुलेंगे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। वो एक टेक्निकल पॉइंट आ गया, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हुए भी नहीं है, बिकॉज उसके अंदर एक सर्टिफिकेट होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के लिए, जो अपना एक उसके लिए क्या होता है कि जो लोग अंदर बाउंड्री के अंदर होते हैं, जो SEZ के अंदर होते हैं या अलग से SEZ बनाते हैं, उसमें वो ड्यूटी फ्री लेते हैं, ड्यूटी का एक फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग ड्यूटी का फ़ायदा नहीं उठाते, हम लोग माल भेज के हम एक्साइज भरते हैं, ड्यूटी भरते हैं और बाद में हम उसका ड्रॉबैक और ROST लेते हैं। कैमरामैन सुमित मावी के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र TV, नोएडा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।